Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं उड़ीसा के एक ऑथेंटिक रेसिपी जो कि है अटकड़ी, जो कि बनाना बहुत ही ईजी है और एक क्विक रेसिपी है। और ये रेसिपी को लक्ष्मी पूजन के टाइम उड़ीसा में लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों से बड़े तक सबको ये पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये मज़ेदार रेसिपी को। पहले हम राइस को 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। 4-5 घंटे के बाद पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी देके एक स्मूथ सा पेस्ट बना देते हैं। अभी हम अलग से एक बर्तन में निकाल देते हैं। देखिए हमारा बैटर ऐसे होना चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अभी हम गैस में एक पतीला रखते हैं और पतीला को गर्म होने देखते हैं। हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। हमें चाहिए तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर, इलायची, काजू और कोकोनट चाहिए और उसके साथ चीनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पतीला में 2 टेबलस्पून घी डालते हैं, देसी घी डालते हैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म होने के बाद हम 3 तेज़पत्ता को डाल देते हैं। फिर उसके साथ हम ब्लैक पेपर को भी डाल देते हैं। ब्लैक पेपर और तेज़पत्ते से अटकड़ी में खुशबू बहुत अच्छा आता है। फिर हम उसमें जो काजू को रखे थे उसको डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को लो रखते हैं और काजू और सब खड़ा मसाले को थोड़ा सा भूनते हैं। और अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ऐसे आधा कप पानी डाल देते हैं, नहीं तो हमारा जो काजू और खड़ा मसाला जल जाएगा, इसलिए हम आधा कप पानी डाले हैं। और उसके बाद 1 लीटर दूध डालें। हम दूध को पहले ही बॉईल करके रखे हैं। फिर दूध को गर्म होने देते हैं और उसके साथ हम उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं और उसके साथ 3 इलायची को क्रश करके भी डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को हाई करते हैं और पतीला को कवर करते हैं और एक बॉईल आने देते हैं। अभी हमारा दूध में बॉईल आ गया है। अब कटा हुआ कोकोनट और 1 बाउल चीनी को डाल देते। मुझे लगता है कि थोड़ा मीठा कम हो जाएगा, इसीलिए हम और 1/2 बाउल चीनी डाल रहे हैं। अभी कोकोनट को थोड़ा बॉईल होने देते हैं और दूध में एक उबाल आने देते हैं। अभी हमारा दूध में बॉईल आ गया। अभी हम गैस का फ्लेम को लो रखते हैं और जो राइस का बैटर है उसको एक हाथ से धीरे धीरे डाल के दूसरे हाथ से हम चम्मच को धीरे धीरे चलाते रहेंगे और राइस का बैटर को दूध के साथ मिक्स करते रहेंगे। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो दूध में से चावल का लम्स रह जाएगा, इसलिए हम एक हाथ से चावल का बैटर को डालेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। थोड़ी टाइम बाद हमारा अटकाली का मिक्सचर थोड़ा थिक होने लगेगा। ये प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है और अभी हम गैस को फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और हाथ चलाते रहते हैं। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम को लो रखते हैं
और पतीला को कवर करते हैं और हमारा राइस का बैटर को बॉईल होने देते हैं। 6-7 मिनट बाद हम पतीला का कवर को निकालते हैं और चेक करते हैं हमारा अटकाली ठीक से कुक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमारा अटकाली और कुक होने को टाइम लगा, इसीलिए हम कवर बंद करते हैं और थोड़ी टाइम के लिए कुक करते हैं। पतीला का कवर को निकालते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमारा अटकाली अभी ठीक से कुक हो गया। अभी हम गैस का फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, इसीलिए घी को गर्म करते हैं और थोड़ा सा काजू को भून के ऊपर से स्प्रेड करते हैं। देखिए अब हमारा अटकाली रेडी हो गया। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसे लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।